फ्रेंड्स नमस्कार, मैं अमित, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पोल्ट्री नॉलेज पे स्वागत है। तो दोस्त, आज मेरा जो आज चिक्स आने वाला है, तो इससे पहले मैं क्या क्या मैनेजमेंट किया हूँ, सोचा कि एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो जैसे कि देख पा रहे, ऊपर में मैं जो बिचाली है, बिचाली का बिछावन कर दिया जाके ऊपर से रात के टाइम में ठंड ना ना में। और इधर में त्रिपाल जो दिया हुआ है इस साइड पे, अंदर पे भी एक किया हूँ, तो ये मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो पे। तो जैसे कि देख पा रहे, इधर में पूरा त्रिपाल दिया हुआ है और ये रस्सी से मैं बांध दिया क्योंकि हवा थोड़ा सा इधर उधर चल रहा है। तो इससे क्या हो जा रहा है, ये जो आपका त्रिपाल है ये उठ जा रहा है और ठंड हवा अंदर घुस रहा है। तो इससे आप अंदर में जो हीट प्रोड्यूस करेंगे तो वो हीट बाहर निकल जाएगा और अंदर में ठंड आ जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि बिचाली जो है उसको मैं पूरा सेट करके दे दिया जाके ठंड हवा अंदर ना घुसे और ठंड अंदर में जो हीट प्रोड्यूस करता हूँ वो जाके सेम टू सेम बरकरार रहे उधर। और इधर में मैं एक बार दिखा देता हूँ आप। तो दोस्त, इस साइड पे भी मैं ऐसा ही सेम किया, जैसे कि देख पा रहे कि रस्सी से मैं त्रिपाल जो है उसको टाइट करके बांध दिया जाके हवा थोड़ा सा, आप देखेंगे कि जैसे ही थोड़ा सा हवा देगा तो ये त्रिपाल जो है ऊपर उड़ जाएगा और ठंड हवा अंदर घुस जाएगा। तो आपको ये मेंटेन करके रखना है, अगर आप अंदर में कुछ हीट प्रोड्यूस करने वाले हैं तो आपको ये त्रिपाल जो है इसको सेट करके रखना चाहिए जाके अंदर में कुछ ठंड हवा ना घुसे। अगर ठंड हवा घुसेगा तो अंदर में जो गर्मी आप पैदा कर चुके ऑलरेडी वो तुरंत निकल जाएगा, मतलब इधर से ठंड हवा जैसे ही घुसेगा उधर से हीट निकल जाएगा। तो ये हीट प्रोड्यूस करने का जो खर्चा है वो आपका बढ़ जाएगा और चिक्स का मैनेजमेंट भी उतना ठीक तरह से नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये जो बिचाली है, बिचाली मैं दे दिया साइड पे, आप देख पा रहे। और अंदर का माहौल मैं एक बार दिखा देता हूँ, अंदर का क्या सीन किया हूँ। तो चलिए अंदर एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्त, इस तरह से मैं मैनेजमेंट करके रखा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये पता होना है, चिक्स आने से पहले आपको टोटल जो इंतज़ाम है इंतज़ाम करके रखना है। अंदर में एक वाइट कलर का जो पर्दा है, पर्दा दे दिया, मतलब दो साइड का पर्दा दे दिया जाके अंदर में, अंदर का हीट जाके अंदर में रहे और बाहर का ठंड जाके बाहर में रहे, जाके ना घुसे। और इस तरह से बोर्डिंग भी मेरा टोटल हो गया है, आप देख पा रहे। और पानी का बर्तन मैं अभी देने वाला हूँ, तो जैसे कि 3 या तो फिर 3:30 बजे तक मेरा चिक्स आने वाला है, तो उससे पहले मैं पानी का जो बर्तन है पानी डाल के दे दूंगा। और मिडिल पे जो हीटर रखा है आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे मैं नाइट में आँच देने वाला हूँ, जो कि वो लो कॉस्ट जो हीट प्रोडक्शन का जो वीडियो है मैं वीडियो में दे दिया, तो वही वाला मैं आँच यहाँ पर देने वाला हूँ। और 200 वाट का एक टो करके बाल्ब हर ब्रूडिंग पे मैंने दे दिया, आप देख पा रहे। तो ये सब टोटल मैनेजमेंट करके आपको पहले से ही रखना चाहिए जाके चिक्स आने के बाद आप ठीक तरह से चिक्स को मैनेजमेंट कर पाए। और मान लीजिए कि ये अगर टोटल आप पानी का जो बर्तन है, पानी का बर्तन आप अभी नहीं दिए, तो जैसे ही चिक्स आ जाएगा तो आपका काम का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो चिक्स का मैनेजमेंट आप कम कर पाएंगे। तो इसलिए मैं क्या करता, टोटल जो इंतज़ाम मैं पहले से ही करके रखता हूँ। और दोस्त, मैं ऊपर में सीलिंग नहीं किया, और एक बार बोल देता हूँ, ऊपर में सीलिंग नहीं किया क्योंकि ऊपर में सीलिंग मैं, मतलब जिस बार मैं पहले पोल्ट्री फार्म किया था उस टाइम को ऊपर का जो सीलिंग है, ऊपर का सीलिंग में दिया था, तो इसका कारण से फार्म में बहुत एसाइटिस का बीमारी आया था। तो इसलिए ऊपर का जो सीलिंग है सीलिंग नहीं दिया, और ऊपर साइड में मैं बिछावन कर दिया जो बिचाली होता है, तो वो बिछावन कर दिया ताकि ठंड रात के टाइम में ना गिरे। और नीचे का पर्दा अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन आपको मैनेजमेंट भी उतना बढ़िया करना होगा क्योंकि अगर फार्म के अंदर गैस हो जाएगा तो एसाइटिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक तो 15-16 दिन से आपको एसाइटिस मोर्टेलिटी देखने के लिए मिलेगा, और अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा चिक्स, 30 या 34 डेज हो जाएगा, तो तब भी मोर्टेलिटी होता है, तो तब आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये एसाइटिस हुआ, क्योंकि एसाइटिस हम लोग को पता है कि चिक्स का पेट में पानी भरना, मतलब पिछवाड़े में पानी भर जाता है, उसका कारण से मरता है। लेकिन जैसे ही चिक्स 32 डेज या 34 डेज हो जाएगा तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि पानी भर के ये मरा, तो आप लीवर को काट के देख सकते हैं कि लीवर के अंदर पानी भर गया, मतलब ये जो होता है एसाइटिस के कारण से होता है। तो इसलिए मैं ऊपर का जो पर्दा है पर्दा नहीं दिया, सीलिंग नहीं किया। और आप अगर सीलिंग नहीं करेंगे तो आप एस्बेस्टस के ऊपर में आप बिछावन कुछ कर दीजिए,
जैसे कि घास या फिर बिचाली कुछ भी हो आप बिचवन कर सकते, तो इस तरह से मैं मैनेजमेंट करके रखा हूँ दोस्त। और अभी मैं 3 साढ़े 3 बजे तक चिक्स आने वाला है, चिक्स आने का बाद मैं वीडियो करके दिखाता हूँ कि क्या मैनेज करना पड़ता है। और दोस्तों एक बार बोल देता हूँ, जैसे ही चिक्स आ जाएगा तो चिक्स को फीड मत दीजिए, चिक्स को सिर्फ 1 घंटा या तो फिर 2 घंटा आप सिर्फ फ्रेश पानी पिलाइए, उसके बाद थोड़ा सा उसका थकान जो दूर हो जाएगा उसके बाद आप फीड इंटेक करने के लिए फीड दे सकते। इसलिए अगर आप तुरंत फीड दे देंगे तो फीड गले में अटक के वो मोर्टलिटी थोड़ा बहुत हो सकता है, तो इसलिए मैं क्या करता उसको पहले फ्रेश पानी देता हूँ, उसके बाद 1 घंटे या तो फिर 2 घंटे बाद में फीड देता हूँ थोड़ा बहुत करके। तो दोस्त ऐसा ही मैनेजमेंट मैं कर रहा हूँ, और चिक्स आने का बाद एक वीडियो करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे चिक्स को डालते हैं फार्म में। हमें से वीडियो को एक मिनट रुको भाई, तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हैं मेरा चिक्स आ गया है, 8 ब्रूडिंग पे मैंने 400 करके चिक्स छोड़ा है, टोटल 3200 3200 के आसपास चिक्स है मेरा इस बार को। तो मैं अभी जो करना है, अभी तो पानी तो पहले दे के रखा था और अभी भी मैं फीड नहीं दिया, 1 घंटा या तो फिर 2 घंटे के बाद मैं फीड देने वाला हूँ, और अभी भी मैं वो जो आग का चूल्हा मैं अभी भी नहीं लगाया इधर पे, तो अभी 2 घंटा देखता हूँ। अभी टाइम हो गया है 7:30, शाम 7:30-8 बजे तक टाइम हुआ, तो अभी 1 घंटा 2 घंटा बाद मैं ये सब करने वाला हूँ, फीड देने वाला हूँ और जो आँच है वो आँच लगाने वाला हूँ। तो अभी थोड़ा डिस्टर्ब करके देख रहा हूँ कोई आपका चिक्स का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा कुछ देख रहा हूँ। तो अभी मेरे को ठीक ही लग रहा है कि चिक्स जो है वो बढ़िया है, आप एक बार देख लीजिए नज़दीक से। तो दोस्त ऐसा चिक्स है तो पहले से ही ये जेंटा किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे शायद, पहले से ही वो माथे पे जेंटा किया हुआ है, मतलब जाके कुछ प्रॉब्लम ना आए, आईवीडी जाके ना आए। तो ऐसा चिक्स देख के लगता है कि अच्छा ही होगा, तो देखते हैं गेम रनिंग करते 1 घंटे के बाद फीड देने से ही पता चल जाएगा कि फीड इनटेक करने का जो कैसा है। तो अभी भी तंदुरुस्त लग रहा है चिक्स को, तो पानी थोड़ा बहुत करके पी रहा है अभी, तो पानी पीने का बाद 1 घंटा 2 घंटा के बाद मैं फीड डालने वाला हूँ। चारों ओर आप देख पा रहे हैं कि पर्दा को कैसे दिया हुआ है, और अंदर का टेम्परेचर थोड़ा बाहर से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि 200 वाट का जो लैम्प अभी भी जल रहा है, तो इसलिए अंदर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है बाहर के मुकाबले। और अंदर में जैसे ही मैं आँच लगा दूंगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और चीख जैसे कि देख पा रहे चीख अभी इकट्ठा होके बैठ जा रहा है, मतलब अभी अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम है, हिसाब से उन लोगों को जितना लगेगा उस हिसाब से बहुत कम है। तो अभी 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि अभी थकान के टाइम में तुरंत फीड देने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि वैसे भी वो थोड़ा इकट्ठा होके बैठ के व्हीकल में आता है। तो अभी छोड़ने के बाद 1 घंटा 2 घंटा के बाद मैं फीड देने वाला हूँ, और जो आग है आग लगाने वाला हूँ जगह टेम्परेचर ठीक तरह से बरकरार रहे। और दोस्त एक बार बोल देता हूँ,
ये देख के आपको पता चलेगा कि फार्म के अंदर जो टेम्परेचर है वो ठीक नहीं है। जैसे ही मैं आँच लगा दूंगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, चिक्स जो है चिक्स फैल जाएगा, तो तब आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हैं कि टोटल जो चिक्स है एक साइड में बैठ जा रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आप अगर ठीक मतलब कंटिन्यू अगर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जैसे कि मेरा बंदा कर रहे हैं, अगर उतने कंटिन्यू डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो आपको मोर्टलिटी इधर में देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही चिक्स को आप साइड कर दीजिएगा तो तब अंदर में कोई छोटा वाला चिक्स मर जाता है। तो इस हिसाब से मतलब जितना टाइम आप आँच या फिर फीड नहीं दे रहे कंटिन्यू उसको डिस्टर्ब करके रखिए, जाके वो फैल के थोड़ा बहुत बैठे। जैसे कि इधर में अभी वो डिस्टर्ब किया तो थोड़ा बहुत फैल के बैठा है, तो फैल के घूम रहा है। तो इस हिसाब से इधर में देखिए वो लाइट जो जिधर जल रहा है उसका नीचे पूरा बैठ गया है, तो उसको डिस्टर्ब करके रखना है जाके अंदर में कुछ दब के कुछ मोर्टलिटी जाके ना हो। तो इस हिसाब से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैं आज जो बोला था वो इंस्टॉल कर दिया और आप देख पा रहे हैं कि आज के साइड में वो बैठ कर रह गया, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब करके उसको पानी पानी पिला रहा हूँ। तो इधर में भी जैसे कि आँच जो लकड़ी का बुरादा का जो आँच होता है वही मैं इंस्टॉल किया। बहुत सारे व्यूअर्स ने ऐसा बोल रहा है कि बहुत स्मोक होता है, तो ऐसा कुछ नहीं, आप देख पा रहे हैं कि एकदम नॉर्मल जो आँच होता है वैसा ही है। आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे ये जल रहा है और साइड में जो चिक्स है चिक्स बैठा हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि ऐसे इस तरह से जल रहा है और कुछ स्मोक भी नहीं, ऐसे नज़दीक से दिखा रहा हूँ कुछ स्मोक भी नहीं। तो इस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए और चिक्स जो है वो फैल के बैठा हुआ है और इधर में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के बाद वो फैल जा रहा है, मतलब उतना उसको ठंड नहीं लग रहा है और रूम का टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज़्यादा है बाहर से मुकाबले, तो इस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए। तो दोस्त मैं इसी के साथ समाप्त कर दूँ ये वाला वीडियो। वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके पोल्ट्री फार्मर भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। और अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।